بسم الله الرحمن الرحيم. This morning is at lecture number 7, chapter number 49, class mathematics, algebraic expression and algebraic formulas. दो lectures अभी तक हो चुके हैं formulas पे, और ये third lecture जिसमें हम दो और formulas को draw करेंगे, जो known भी है लेकिन इस stage पे आप लोगों के लिए शायद ये कुछ news हो. ए प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला, इससे पहले हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, और ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर का एडिशन एंड सबट्रैक्शन से हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, और इसके अलावा दो फार्मूलाज हमने और पढ़े थे जिसमें तीन टर्म्स थे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड उसका डायवर्शन हमने पढ़ लिया. आज इसके डायवर्शन पढ़ते हैं ए प्लस बी होल क्यूब, जो कि हमारे साथ बराबर है ए क्यूब प्लस थ्री ए बी ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डायवर्शन में मैं बताऊंगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी हमारे साथ क्या है क्यूब. और नेक्स्ट जो है ए माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला है, इसको हम ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट वन को देखें जिसमें हमारे साथ ए प्लस बी होल क्यूब मौजूद है. तो ए प्लस बी होल क्यूब वाले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a प्लस बी होल क्यूब, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर. ये सिंपल डायवर्शन है, इसमें कुछ लॉजिकल स्पान नहीं है कि मैं इसको ज्यादा वो करूँ. स्टार्ट पार्ट वर्ड सिंपल, a प्लस बी अपनी जगह, और a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट. अब क्या करना है, इस ए को मल्टीप्लाई करना है इस सारे टर्म के साथ, देन बी को मल्टीप्लाई करना है इस सारे टर्म्स के साथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और देन प्लस बी टाइम ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस. अब इस ए को अंदर लेके जाए तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए क्यूब बन जाएगा प्लस टू टाइम ए स्क्वायर बी, ए जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ ए स्क्वायर, और बी अपनी जगह और टू अपनी जगह टू ए स्क्वायर बी, देन ए और ये हमारे साथ बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर. यहाँ पर आए क्या है कि ए स्क्वायर बी प्लस टू टाइम ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट. अब इसको इक्वल कर दें, ए क्यूब अपनी जगह और प्लस करें ये टू ए स्क्वायर भी है और एक जो हमारे साथ ए स्क्वायर भी ये है, तो तीन हो गए, तो प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, देन प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, एक ए बी स्क्वायर ये है और टू ये है, और फाइनली बी क्यूब. एक तो हमारे साथ ये हो गया, और इसमें इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस इसमें थ्री ए बी और इसमें थ्री ए बी कॉमन है, कॉमन हम वो टर्म लेंगे जो दोनों के साथ हो. अब इसके साथ ए स्क्वायर है लेकिन इसके साथ जस्ट ए है, तो इसलिए हम ए लेंगे, इसके पास भी थ्री है, इसके पास भी थ्री है, इसके पास बी है, इसके पास बी स्क्वायर है, लेकिन बी लेंगे क्योंकि बी दोनों के साथ हो सकता है. तो थ्री ए बी कॉमन करें तो ए प्लस बी रह जाएगा प्लस क्यू, तो ए भी है और ए प्लस बी है, और ए क्यूब बी क्यूब है, और ए प्लस बी होल क्यूब है. तो अगर ए प्लस बी क्यों है तो यहाँ पर भी ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है, और ए बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में से एक गिवन होंगे, तब हम जो फाइंड करेंगे इसमें से एक दो और तीन, तीन में से दो गिवन होंगे और एक को हमने फिर फाइंड करना होता है. अब ये तो हो गया, सेकेंड नंबर हमारे साथ किया है ए माइनस बी होल क्यूब वाला, इसको फाइंड करते हैं
तो अगेन ए माइनस बी होल क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इनटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको इक्वल कर दे तो ए माइनस बी अपनी जगह और ए माइनस बी होल स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई करें सेम तरीके से ए मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर के साथ, देन माइनस बी को मल्टीप्लाई करें किसके साथ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है सॉरी, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है तो इसमें प्लस आता है। अच्छा अब मजीद इसको इक्वल कर दें ए को मल्टीप्लाई कर दे ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू और प्लस इंटू माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई टू ए बी से आ जाएगा टू ए स्क्वायर बी और प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी स्क्वायर गेन माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस बी क्यूब। अब देखिए ए क्यूब अपनी जगह माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी, इससे बन जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और अच्छा यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है राइट, और नीचे भी हमारे साथ ये हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, तो प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी स्क्वायर से बन जाएगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पर अगर आप एक मिस्टेक भी करते हो जल्दी से, एक मिस्टेक की वजह से सारा जो क्वेश्चन है फाइनली वो रॉन्ग आता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है तो आपने यहाँ पर प्लस लगाए सारी चीज ठीक हो गई, एक इधर माइनस से लगा था प्लस की जगह तो यहाँ पर माइनस अगर फिर कैंसिल हो जाता है दूसरे के साथ, अभी ठीक है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। अच्छा अब स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है इसमें कि अब माइनस जो है एक थ्री के साथ माइनस है और दूसरा थ्री प्लस में है, अब ए स्क्वायर बी के साथ माइनस है या ए बी स्क्वायर के साथ माइनस है, तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फिर इसको याद करें, किस चीज़ को देखे ये जब डेरिवेशन आप करते हो तो इससे हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि ए क्यूब इससे माइनस थ्री ए बी कॉमन ले ले तो ये प्लस हो जाएगा, थ्री चला जाएगा ए चला जाएगा बी चला जाएगा तो क्या रह जाएगा जस्ट ए रह जाएगा और इससे प्लस इंटू माइनस माइनस बी रह जाएगा माइनस बी क्यूब। तो ये जो है आप लोग इसको याद करें, इसको याद करें इसमें सारा टर्म क्या है नेगेटिव है और जो ऊपर वाला था उसमें सारे प्लस है, उसमें ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी क्यूब और इसमें ए क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। अब अगर आपने ऊपर वाला फाइंड करना हो ये वाला तो किस तरह कर सकते हो कि ए क्यूब अब क्या करें माइनस थ्री ए बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो माइनस थ्री ए स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है विदाउट मेमोराइजेशन। और अगर आप मेमोराइजेशन नहीं करते गाड़ी के लिए याद कर सकते हो तो फिर अच्छी बातें लगे जिसमें वो शॉर्टकट अगर आप लोगों को याद नहीं है तब। अच्छा अब इसमें एग्जाम्पल करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए आस्क होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू फाइव एंड ए बी इक्वल टू टेन। तो अगेन सेम फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर ए प्लस बी है तो अपने उस शर्त पर हम लिखना है कि थ्री टाइम थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी वाला शक्ल में लिखना है क्या कि ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब अब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस क्यूब को मैंने इधर ले क्या राइट और प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी आपने जगह ये ए प्लस बी होल। अब ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है क्या है फाइव है, तो फाइव क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी क्यूब को हमने फाइंड करना है,
क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री टाइम ए बी की वैल्यू क्या है, 10 है और ए बी की वैल्यू 5 है, तो इससे आ जाएगा 125। 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 5 मल्टीप्लाई 5 से 125 आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू आप लीजिएगा प्लस 3 5 15 और 15 10 150 आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 125 माइनस 150, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25। आप इस पर प्रैक्टिस करें, इसी की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी वो माइनस 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको होम टास्क कंसिडर करें, तो आप लोग खुद करें, फाइंड द वैल्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ए माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है और ए बी की वैल्यू भी गिवन है, तो सेम इसी फार्मूले मिलेगी ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला थोड़ा सिंपल है, इसको याद करें, बाकी वो इससे वो ड्राफ्ट होता है। अच्छा, ए माइनस बी की वैल्यू क्यों है, ए माइनस बी की जगह आप क्या पुट करें, आप 2 पुट करें 2 को स्क्वेयर और 3ab की जगह आप लोग क्या पुट करें 15 और अगेन ए 3 टाइम इसको करें और ए माइनस बी की जगह अगेन 2 पुट करें और ए क्यूब ये और माइनस बी क्यूब की वैल्यू। इसके तो आप लोग होम टास्क करें, सिंपल है, मुश्किल नहीं है इसमें, और नेक्स्ट फिर करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 को इंशाल्लाह एग्जाम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।